मिली होती मैं दुबे बोला, मैं दुबे बोला तब मिला है, मैं बोला यहाँ पे हो रहा है रैपिड फायर क्विज। जो लोग 5 क्वेश्चन का सवाल मतलब 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे उनको वो फ्री में मिलेगा कस्टमाइज। देखते हैं क्या है। सब लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा ऑब्वियसली, तो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू शार्क टैंक इंडिया। ये किसका कोटेशन है? फर्स्ट वन जो नाम बताएगा। अमन 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 आप राइट आप कैसा लगा आपको? ये नहीं पता। आप किन के साथ आए, कौन है आपके फ्रेंड्स? से हेलो। Yes. So I'm going to ask the second question. Who all wants to join us? चालू तो करो। Who all wants to answer? I need an answer. Hello. पूछेगा बता दें। जानते हैं तो बता दें। We are giving some free gifts for you. Come on, come on, come on. Yay! आज पास तुम दरवाजे। So the second question is, are you ready? Yes. I cannot hear anyone. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. So the same question is, 3 Idiot movie में लीड एक्टर का नाम क्या था? तीनों लीड एक्टर आमिर खान, आमिर खान, फरहान, बर्मन क्या था यार वो? कौन सी लाइन थी? थर्ड नहीं मालूम। हरिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, सत्यम के सरवानी। अरे हरिंदर सिंह सत्यम के सरवानी। जोर से आमिर खान, सरवन जोशी है। We have 2 winners with us. The first one, sorry, what's your name? What's your name? Aditya Baghel is... Okay, two log jeet gaye. Diary. This court is actually invented by me. Then, you know what? Office mein... Mujhe sunai nahi de raha hai. Actually, I'm audible, right? Yes. See, office mein na 15-20 log hai. So, every time they come to me and they demand ki sir ye chahiye, wo chahiye. So, what I said, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। दिस इज रिटन बाय मी हर्ष अग्रवाल। सो दिस इज फॉर यू। व्हाट्स योर नेम? श्रेयांश। श्रेयांश भाई जीत गए। आदित्य बघेल। सो आदित्य बघेल इज गेटिंग अ पेन स्टेन विद अ बैच जिसमें भिलाई, राइट? सो वी ऑल लव भिलाई। तो बेसिकली दूसरा क्वेश्चन, अभी आप लोग क्या बोल रहे हो इनको? बोलो जोर से। गजब बेइज्जती है। कोई नहीं यार, चलेगा। गजब बेइज्जती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को भी मिलेगा। नेक्स्ट। सो राहुल महाजन के लिए बहुत तालियां। पूछू बड़ाक से मैं? ओके ओके ओके। उससे पहले एक बार ना आप लोग से फेवर चाहिए। फेवर चाहिए, कोई फोर्स नहीं है। वैसा वैसा नहीं है। वी लव प्रिंट माइन, ये मेरे को चाहिए। बिकॉज़ आई एम द ओनर, बहुत मेहनत करता हूँ। वी लव प्रिंट माइन, वी लव प्रिंट माइन, वी लव प्रिंट माइन, वी लव प्रिंट माइन।
एवरीवन इज रेडी जहाँ पर आप खड़े हो ये जगह का दो तीन नाम है क्या चीज बता दो एक बार पूरा नाम चाहिए पूरा जो जो बोलते हैं इस जगह को पूरा नाम बताओ ना भैया मैं बता दूंगा गूगल में कुछ और नाम लिखा है इनका जब गूगल करोगे तो डोंट गूगल गूगल आखिरकार हमारे बाजू में जो भैया थे उनका हो गया प्राइस जीत ही गए बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे थे क्यों भैया एक्चुअली मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ऐसा एक्सपीरियंस तो मैंने कभी किया नहीं है तो मेरा फर्स्ट है तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा नए नए लोगों से इंट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं तो लोकल फूड फर्स्ट एक एक कंप्लेन यार म्यूजिक डू व्हाट यू लव प्रोडक्ट मार्टिस था बस 10 रुपए का मैंने चिप्स खाया मिल गया ना फाइनली ये क्या ये क्या ओहो टैग लो भैया कॉन्गो आखिरकार मिल गई नहीं मिली होती मैं दुबे बोला तब मिला है मैं बोला बस यहाँ पे हो रहा है सब विनर लोग का फोटो शूट अभी ये भाई अपने साथ मिल गए भाई बहुत मजेदार एकदम अच्छा इंटरेक्शन किए बहुत बकचोदी किए भाई ये बंदा मैं जूम करके बता रहा ये बंदा ग्रे शर्ट इतनी बकचोदी कौन करता है भाई इतनी बकचोदी तो हम स्कूल में करते थे ये पब्लिकली इतनी बकचोदी किए ना उनके ले लिए भाई तो गैस यहाँ पे था बस इतना और अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए और आप लोग को लास्ट टाइम एक प्रिंट वाइन जिसके साथ सबसे अच्छा इंटरेक्शन हुआ था मेरा मैं उससे मिला देता हूँ आपको तो वो है ये भैया आपका नाम बता दो हाय माय नेम इज हर्षवर्धन अग्रवाल और ये है प्रिंट माइंस के ओनर यानी कि ये स्टार्टअप इनका था और मतलब इनका जो मतलब जो ट्रिक है ऑडियंस गेन करने का ट्रैफिक गेन करने का ना मज़ेदार था तो आप लोग इनका स्टोर भी विजिट कर सकते हो और अगर कुछ स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो ना तो इनसे आप बातचीत कर सकते हो अच्छा खासा आपको आइडिया दे सकते हैं मुझको देख के समझ आया कि बंदा मतलब बहुत दिमाग है बंदे में एकदम अच्छा अच्छे तरीके से इतनी क्राउड इकट्ठा कर ली यहाँ पे जो कि अभी अभी देखो पूरा खाली है सबके स्टॉल्स पूरे खाली है लेकिन सिर्फ ये बंदे ने यहाँ पे पूरा क्राउड इकट्ठा कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ आपका 3 से 4 डेरीज गया और वो भी एक तरीके का अपना एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन प्रमोशन है और वो तो अपना कॉस्ट प्राइस पे गया तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है वो एक तरीके से कवर हो जाएगा हाँ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू थैंक यू सो मच विशु मिलते हैं बाय चलो गाइस मिलते हैं अब बाहर निकलते हैं यहाँ से बहुत सफोकेशन टाइप का हो रहा है यहाँ पे।